नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, हरियाणा में 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और 90 में से 17 जो सीटें हैं वो आरक्षित है, और उन आरक्षित सीटों पर क्या समीकरण बनेंगे उन पे बात करने के लिए, उन पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं सतीश मेहरा जी, जो हरियाणा में राजनीति के बहुत अच्छे जानकार हैं। हमसे चर्चा करते हैं कि इस बार हरियाणा की ये जो आरक्षित सीटें हैं, 17 सीटें जो हैं, उन पर किस तरह के समीकरण बन सकते हैं। मेहरा साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी आपका। मेहरा साहब, विधानसभा चुनाव की जो तैयारियां हैं पूरे जोरों शोरों से चल रही हैं, सब पार्टियां अपना पूरा जोर लगा रही हैं और सत्ता के लिए कोशिश करेगी भारतीय जनता पार्टी इस बार सत्ता में तीसरी बार अपने इतिहास को दोहराने की, और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है पिछले 10 साल का सूखा जो है उसको तोड़ने की भी जी तोड़ कोशिश कर रही है। कल केजरीवाल ने भी अपना रोड शो जो किया यमुनानगर में, उसमें अपनी कहीं ना कहीं उपस्थिति दर्ज कराई है उन्होंने। लेकिन इन सबसे अलग अगर हम बात करें तो हरियाणा की जो 90 विधानसभा सीटें हैं उनमें से जो 17 सीटें हैं रिजर्व सीटें जिनको कहते हैं आरक्षित सीटें हैं, उनका बड़ा अहम योगदान रहता है हमेशा चुनाव के दौरान। वो ये जो 17 आरक्षित सीटें हैं, तो इन सीटों पर अगर हम बात करें तो कांग्रेस की जो लीडर है कुमारी शैलजा, उनका बहुत दबदबा रहा है, और दूसरी तरफ देखें तो कुमारी शैलजा अभी तक चुनाव प्रचार में कहीं नजर नहीं आ रही है। अगर वो चुनाव प्रचार में नहीं आती हैं या चुनाव प्रचार में उनके ना आने से कांग्रेस को क्या नुकसान होगा और भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा हो सकता है? देखिए, आप आज की चर्चा में राजेंद्र जी बड़ा एक इंटरेस्टिंग रोचक जो मुद्दा आप लेके आए हैं, आरक्षित सीटों की पे चर्चा करने की बात का मामला जो आपने उठाया है, ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है। आरक्षित सीटों की आपने बात की तो 90 विधानसभा क्षेत्रों में 17 जो सीटें हैं वो हरियाणा में आरक्षित हैं, हालांकि एक 20% का जो आज एक आरक्षण मिला हुआ है इन विधानसभा सीटों में, लेकिन एक सीट कम है, 18 सीट होनी चाहिए थी, वो पता नहीं क्यों 17 सीटें ही आरक्षित की गई हैं। तो उन आरक्षित सीटों की 2019 के चुनाव की हम बात करें तो 2019 में कांग्रेस के पास जो है ना 7 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, और 17 में से हम बात कर रहे हैं, 7 सीटें कांग्रेस के खाते में आई गई थी और 4 सीटें जननायक जनता पार्टी ने जीती थी। जी जी। और जो 5 सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने, एक आजाद उम्मीदवार जीत के आए थे आरक्षित सीट से। तो इस बार का जो नीलोखेड़ी से आए थे शायद वो आजाद उम्मीदवार, हाँ धर्मपाल गोंदर थे आजाद उम्मीदवार, अभी भी चुनाव लड़ रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी से। हाँ, तो ये था। तो अभी आरक्षित सीटों पे जैसे हमने पहले भी बात की है कि आरक्षित सीटें वही की जाती हैं जिसमें शेड्यूल कास्ट का वोट मैक्सिमम होता है, ज्यादा होता है, और उस आपने कुमारी शैलजा की बात की है तो कुमारी शैलजा का इन सीटों के अलावा पूरे हरियाणा में क्या नॉर्थ इंडिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है, कांग्रेस पार्टी की बड़ी लीडर है और उनका अभी तक कांग्रेस पार्टी के प्रचार में आना न आना एक असमंजस की स्थिति पैदा कर रहा है। जितना देरी से कुमारी शैलजा प्रचार में आती है इतना कांग्रेस को कहीं कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है, और इस जितनी देरी कर रही है कुमारी शैलजा उससे कहीं ना कहीं लगता है भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं लगता है फायदा हो रहा है। जी, तो इससे सबके बावजूद तो कुमारी शैलजा कब चुनाव प्रचार में आती हैं और कांग्रेस पार्टी कब उनको बना के लेके आती है, तो बात कुमारी शैलजा और प्रदेश जो कांग्रेस हाईकमान है उन्होंने देखनी है बिल्कुल। लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, मतलब कुमारी शैलजा का प्रचार में ना आना तो कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं जो है वो नुकसानदेह साबित हो सकता है, और ये चिंताएं कांग्रेस की चिंताएं बढ़ा रहा है, कहीं ना कहीं चिंताएं बढ़ा रहा है कांग्रेस पार्टी की चिंताएं बढ़ा। मेरा साहब, इसके अलावा मैं बात करूंगा कि अगर हम सीट वाइज जो हमारी ये 17 कॉन्स्टिट्यूएंसियां हैं जो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं इसमें इलेक्शन में चुनाव में, तो इन 17 कॉन्स्टिट्यूएंसियों की बात करें तो आप हमारे दर्शकों को ये 17 कॉन्स्टिट्यूएंसी इनके बारे में कुछ आज की डेट की, मैं चलो आने वाले समय में क्या बनने वाला है वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन आज जो स्थिति है कुछ स्पष्ट कर पाएंगे आप हमारे दर्शकों को? देखिए राजेंद्र जी, हरियाणा में 22 जिले हैं, 22 जिलों में
17 जिलों में एक एक जो कॉन्स्टिट्यूंसी वो आरक्षित रखी गई है, और 5 ऐसे जिले हैं जिसमें महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, पंचकुला, नू, चरखी दादरी और ये जो 5 जिलों के मैंने नाम बताए हैं इनमें कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। नहीं, तो 17 जिलों में जो एक एक सीट है उनका हम सीट वाइज हम बात करें जी, तो चर्चा करने से या इधर हमने जो धरातल से फीडबैक लिया उसमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का एज लग रहा है, क्योंकि पिछली बार भी 7 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, हालांकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी, लेकिन अब की बार कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी है, उस एंटी इनकम्बेंसी लोग बदलाव के मूड में नजर आ रहे हैं, उस एंटी इनकम्बेंसी को देखते हुए कहीं ना कहीं इस बार अच्छा एज कांग्रेस के फेवर में इन 8 सीटों पर जा रहा है। तो हम बात करते हैं अम्बाला जिले की। अम्बाला जिले में जो मुलाना सीट की हम बात करें तो वहां पे जो कांग्रेस कैंडिडेट है वो पूजा चौधरी है जो सिटिंग MLA है जो अम्बाला से, उनकी वाइफ है वरुण चौधरी पहले वहां से विधायक होते थे। जी जी जी। तो वरुण चौधरी की MP चुनने के बाद वो सीट खाली भी हुई, और वैसे भी विधानसभा चुनाव जनरल विधानसभा चुनाव है, बिल्कुल ठीक है। तो उनकी मिसिज चुनाव लड़ रही हैं, और उनके जो अपोनेंट हैं, उनके जो सामने हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की संतोष सारवान चुनाव लड़ रही हैं। जी। तो इन दोनों की अगर वस्तु स्थिति को देखें तो पूजा चौधरी की हस्बैंड वरुण चौधरी पहले भी विधायक रहे हैं वहां पे, और अभी उन्होंने जो सांसद का चुनाव जीता है वहां से संसदीय चुनाव में भी अपने अच्छे वोटों से उन्होंने जीत हासिल की थी। तो मुझे लगता है मुलाना में जो पूजा चौधरी की बढ़त की ओर है वो कहीं ना कहीं जीत की ओर जा सकती है। कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव ने ये चीजें एक संदेशा दे दिया था, क्योंकि देखा जाए तो आप अगर अम्बाला कैंट की बात करें या अम्बाला सिटी की बात करें, दोनों जगह पे भारतीय जनता पार्टी के जो MLAs हैं वो सिटिंग है वहां पे, है ना। लेकिन इसके बावजूद लोकसभा चुनाव में वहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीते, तो इसका बड़ा सीधा सा नजर आ रहा है कि वहां पे शायद आप बिल्कुल सही करें भी कांग्रेस जो है वहां पे हावी हो सकती है। जी। तो दूसरी यमुनानगर को लेते हैं। यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में सढ़ोरा सीट है जी। सढ़ोरा में फिलहाल जो प्रेजेंट MLA है वो रेणुबाला है जी, कांग्रेस की MLA है। रेणुबाला के सामने जो है भारतीय जनता पार्टी के बलवंत सिंह है, और वहाँ का जो ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ट्रायंगल फाइट, उन्होंने एक पिंकी छपरा के नाम से एक जो कैंडिडेट है वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रही, वो कांग्रेस की टिकट की चाहवान थी लेकिन कांग्रेस ने टिकट नहीं दी, कांग्रेस ने रिपीट किया है छिडोरा में रेणुबाला को। तो पिंकी चौधरी भी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रही, वो एक मजबूत कैंडिडेट बताई जा रही है। तो वहां पे कहीं ना कहीं ट्रायंगल फाइट है। ट्रायंगल फाइट में क्या हो सकता है ये तो अभी चुनाव प्रचार में 13-14 दिन बाकी पड़े हैं, क्या हो सकता है, लेकिन अब फिलहाल वहां पे एक तिकोना मुकाबला होता क्या। एक्चुअली कई बार जिस सीट पे पहले से एक ऑलरेडी जो पार्टी है उसके कैंडिडेट अगर मौजूद हो MLA हो तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी का वहां पे एक फैक्टर जो है वो काम करता है। yes. तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये जो आप कह रहे हैं पिंकी की बात करें तो ये एक मजबूत दावेदार हो सकती है उस सीट के। अब बात करते हैं आगे, कुरुक्षेत्र जिला की जो शाहबाद सीट है वो आरक्षित सीट है जी। तो उसमें कांग्रेस ने जजपा के जो विधायक रहे हैं पीछे अभी रामकरण काला जी, कांग्रेस ने उनको टिकट दिया है। तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने सुभाष कलसाना को टिकट दिया है। तो मुझे लगता है डायरेक्ट फाइट है इनमें, जो हमारे पास सीधा मुकाबला है, सूत्रों से और नीचे से हम धरातल से फीडबैक लिया है उनमें ने सीधा मुकाबला है। उसमें कहीं ना कहीं शाहबाद सीट से रामकरण काला कहीं कहीं भारी पड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट पर। अच्छा। तो वो लगता है कहीं ना कहीं आगे आने वाले 13-14 दिन चुनाव प्रचार में है अभी, हालांकि अब जो चुनाव प्रचार के जो दिन होते हैं, जो एक माहौल होता है उसमें 2-3 दिन में माहौल अप एंड डाउन होता है, बिल्कुल। लेकिन आज की जो वस्तु स्थिति है, जो आज की स्थिति को देखते हुए हम कह सकते हैं रामकरण काला का कहीं कांग्रेस की फेवर में जाती हुई नजर आ रही है, कहीं कहीं ऐसे रामकरण काला। जी 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 जी। दूसरी ओर गुला की कैथल डिस्ट्रिक्ट की हम गुला की बात करते हैं। गुला में जो एक कांग्रेस ने कैंडिडेट दिया है वो है
देवेंद्र हंस और भारतीय जनता पार्टी ने कुलवंत वाजिगर को उतारा है जी। कुलवंत वाजिगर के बारे में कहा जाता है कि कहा क्या जाता है वो कहीं ना कहीं जो पूर्व विधायक दिलूराम वाजिगर रहे हैं उनके ड्राइवर होते थे जी। 2014 में एमएलए रहे, 2014 में एमएलए बन गया लेकिन 2019 में वो आ रहे हैं और अभी फिर वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहां कांग्रेस ने देवेंद्र हंस को टिकट दिया। देवेंद्र हंस ने पिछली बार इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था, बहुत अच्छे वोट उन्होंने प्राप्त किए थे। और देवेंद्र हंस की अगर हम बैकग्राउंड देखें तो गुला कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक सीवन गांव है, सीवन कस्बा है, कस्बा भी है और गांव भी है, एक बहुत बड़ा कस्बा है वो जी। उसमें मुझे लगता है 12 से 14 हजार वोट है उस वहां पे। और सीवन गांव के सभी लोगों ने, सीवन गांव की जो सारे के सारे कम्युनिटी के लोग इकट्ठे होकर उन्होंने एक उसको उसको मंदिर में आश्वासन दिया देवेंद्र हंस को कि सीवन गांव आपके साथ है। और सीवन गांव से अगर 12,000 वोट एक इकट्ठा देवेंद्र हंस को पड़ते हैं तो मुझे लगता है देवेंद्र हंस की वहां पे अच्छी मजबूत स्थिति में है, कह सकते हैं उनको कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के देवेंद्र हंस को एज है वहां पे। क्योंकि पिछली बार शायद 2019 में यहाँ जजपा के जो उम्मीदवार थे वो विजयी रहे थे यहाँ पे जी। तो अगर आप करनाल डिस्ट्रिक्ट की बात करें, करनाल डिस्ट्रिक्ट में नीलोखेड़ी आरक्षित सीट है। नीलोखेड़ी में कांग्रेस ने धर्मपाल गोंदर को जो वर्तमान एमएलए थे, धर्मपाल गोंदर पिछली बार इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे शायद, और साढ़े चार साल ये भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने के बाद इन्होंने मुझे लगता है आखिर में आके कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे दिया था। हाँ, देवेंद्र सॉरी गोंदर, धर्मपाल गोंदर हैं वो जो पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट नहीं दी और इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े और मुझे लगता है 4 से 5 हजार के बीच में उन्होंने चुनाव जीता था इंडिपेंडेंट। अकेले आरक्षित सीट में अकेले कैंडिडेट वो थे कि वो उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव जीता था। अब कांग्रेस ने उनको टिकट दिया है। दूसरी ओर कांग्रेस ने जो धर्मपाल सॉरी भगवान दास कबीरपंथी को टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने। भगवान दास कबीरपंथी पहले भी एमएलए रहे हैं और मंत्री रहे हैं जी। तो अब दोनों में उनमें टक्कर के तो है ही है, तिकोना मुकाबला वहां पे नीलोखेड़ी में बनता जा रहा है। अच्छा, तिकोना मुकाबला इस ऐसे बनता जा रहा है कि राजकुमार वाल्मीकि हैं वो भी चुनाव लड़ रहे हैं इंडिपेंडेंट। बिल्कुल ठीक है, राजकुमार वाल्मीकि पहले मंत्री रहे हैं और कांग्रेस की टिकट के दावेदार थे तो उनको कांग्रेस ने कहीं कहीं टिकट नहीं मिल पाया उनको कांग्रेस से। और एक राजीव गोंदर हैं, राजीव गोंदर भी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। राजीव गोंदर मामूराम गोंदर गोंदर गांव से ही है, गोंदर बड़ा गांव है जी, 12,000 के आसपास वोट है वहां पे जी। तो राजीव गोंदर भी चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी ओर एक दयाल सिंह सिरोही हैं, वो भी कांग्रेस पार्टी के टिकट के दावेदार थे लेकिन कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया, कांग्रेस पार्टी ने टिकट उनको धर्मपाल गोंदर को दे दिया। तो इसलिए कहीं ना कहीं वहां पे जो कांग्रेस की जो सीट है वो फंसी हुई है। हाँ, क्योंकि तिकोना से भी चौकोना मुकाबला वहां पे एक सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि अगर इतने लोग कांग्रेस की टिकट के दावेदार थे और वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे कहीं ना कहीं वो जो वोट टूटेगी, जो जितने वोट कटेगी उस सीट पे नीलोखेड़ी सीट पे जितने भी बागी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे में हम उस सीट के बारे में अभी कोई क्लियर स्थिति नहीं, अभी उस सीट पे बीजेपी एज में है जी। कबीरपंथी जी कहीं ना कहीं अभी इस समय की जो स्थिति है उनको लाभ हो सकता है, उनको लाभ मिल रहा है। बिल्कुल ठीक। पानीपत की बात करते, पानीपत डिस्ट्रिक्ट में इसराना एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जी, जो आरक्षित कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो उसमें बलबीर वाल्मीकि कांग्रेस की तरफ से जी, दूसरी ओर से कृष्णलाल पवार हैं जी। कृष्णलाल पवार कई बार वहां पे वहां से एनएलडी से भी और भारतीय जनता पार्टी से भी विधायक रहे हैं और अभी राज्यसभा में मेंबर भी हैं वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से। और वर्तमान जो विधायक है वहां पे बलबीर वाल्मीकि है जी, बलबीर वाल्मीकि वर्तमान में विधायक हैं। हालांकि कृष्णलाल जो पवार हैं उनको एंटी निकम्बेसी का नुकसान भी होगा वहां पे। बिल्कुल होगा एंटी निकम्बेसी का,
और एक जिस समुदाय से कहीं ना कहीं वो कृष्णलाल पवार आते हैं, वो उस समुदाय में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक रोष भी है। ये किन कारणों से है ये तो वो समुदाय के लोगों में कुछ ऐसा सुनने में आता है, लेकिन लेकिन बलबीर वाल्मीकि की अगर वहां पे बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो कहीं ना कहीं बलबीर वाल्मीकि भारी पड़ते जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कृष्णलाल पवार पर। यहाँ भी कहीं ना कहीं ये सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में जाती हुई खाते अभी, में, तक, अभी तक हम खाते में किसी किसके खाते में जाएगी खाते का मतलब ये है, मेरा कहने का बढ़त उस साइड नजर आ रही है, लोगों का रुझान उस तरफ नजर आ रहा है भारी पड़ रहे हैं। क्योंकि देखिए मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हम यहाँ जो भी चीजें बता रहे हैं आपको, जो भी आपको एक कैलकुलेशन बता रहे हैं, ये आज की स्थिति है, आज के बारे में बात करते हैं, आज जो समीकरण बन रहे हैं हम उस पे बात कर रहे हैं, आने वाले 10-12 दिन में क्या समीकरण बनते हैं ये तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि इलेक्शंस में क्या होता है कि कब किसका पलड़ा भारी हो जाए। निश्चित रूप से जो एक चुनावी माहौल होता है, कैंपेन होता है, सबसे सभी पार्टियों के स्टार प्रचारक आते हैं, उसमें दो दो तीन तीन के बाद एक माहौल में ऊपर नीचे ग्राफ होता है, वो कहां तक लास्ट तक कहां तक जाएगा ये तो देखने वाली बात है। बिल्कुल। लेकिन आज की वस्तु स्थिति पे हम बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। जी जी जी। और तो सिरसा में डिस्ट्रिक्ट में कालामाली आरक्षित सीट है। जी जी। कालामाली से कांग्रेस के जो वर्तमान विधायक है शीशपाल खेरवाला, वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं जी। और राजेंद्र देशुजोदा वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि और भी कैंडिडेट हैं, उनमें एनएलडी का भी कैंडिडेट है, जसपा का भी कैंडिडेट है, आप पार्टी के भी कैंडिडेट हैं, लेकिन दोनों में सीधी फाइट है, दोनों में सिटी सीधी फाइट होने की वजह से वो कांग्रेस का शीशपाल जो केरवाला है वो कहीं कहीं एज है भारी पड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट पर। स्वाभाविक है ये सीट मुझे लगता है कांग्रेस के लिए एक सरल सीट है। अब फतेहाबाद जिले की बात करते हैं। फतेहाबाद में राजेंद्र जी एक जो रतिया सीट है वो आरक्षित सीट है जी। तो उस आरक्षित सीट से रतिया से जो कांग्रेस का कैंडिडेट है वो जरनैल सिंह है। जरनैल सिंह। और भारतीय जनता पार्टी की जो कैंडिडेट है वो सुनीता दुग्गल है जी, जो सिरसा से एमपी भी रही है। और जरनैल सिंह पहले से जो कांग्रेस सरकार थी उसमें विधायक भी रहे हैं जी। और दोनों कैंडिडेट वहां पे दोनों की आपस में एक दूसरे की फाइट है, वहां पे सीधा मुकाबला दोनों का, इसमें कोई तिकोना मुकाबला नहीं कर सकते वहां पे। और वहां पे जो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे इस जो टर्म में वो लक्ष्मण नापा थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से रिजाइन किया, उनको टिकट नहीं मिली थी, तो इसलिए रिजाइन करने के बाद वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। तो एक वो सिख बाहुल सीट है मानी जाती है जी, और जनरल सिंह सिख समुदाय से आते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे में लगता है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सिख होने का फायदा, लक्ष्मण नापा के भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का फायदा, और अपनी जो हुड्डा से जो कांग्रेस सरकार में उन्होंने विधायक रहे हैं उसका फायदा कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी जनरल सिंह को मिलने जा रहा है। जी जी, जी इसलिए कहा जा सकता है कि जनरल सिंह जो इस पे इन पे सुनीता दुग्गल पे भारी पड़ रहे हैं, भारी पड़ रहे हैं। अब आते हैं जो हिसार में, हिसार डिस्ट्रिक्ट में उकलाना सीट की जी। उकलाना सीट से नरेश सेलवाल को कांग्रेस ने टिकट दिया है, और भारतीय जनता पार्टी ने अनूप धानक को टिकट दिया है जी। अनूप धानक दो जननायक जनता पार्टी से जीत के आए थे 2019 में। अनूप धानक ने अभी अभी जस्ट टिकट मिलने से एक दो दिन पहले ही उन्होंने जजपा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, और बीजेपी ने उनको टिकट दिया जी। बीजेपी ने टिकट उनको क्यों देना पड़ा, क्योंकि उकलाना में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई इतना मजबूत दावेदार नहीं कैंडिडेट नहीं था, तो इसलिए उन्होंने उस पे दाव खेला है। और अनूप धानक को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। अच्छा। अनूप धानक को इसलिए नुकसान हो रहा है, उनको जननायक जनता पार्टी की भी एंटी इनकम एससी का नुकसान हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की जो 10 साल की सरकार रही उसका भी कहीं ना कहीं नुकसान, कहीं ना कहीं पिछला अलायंस जो रहा है वो जेजेपी के लिए भी नुकसानदेह साबित हो पाएगा। हाँ, दोनों पार्टियों का उनको जो एंटी इनकम एससी हुआ है दोनों पार्टियों के खिलाफ उसका कहीं ना कहीं अनुदान को नुकसान हुआ है। और एक जाट बाउल सीट है वो
किसानों का आंदोलन का वहां पे प्रभाव है अभी भी कहीं ना कहीं, जब हम देखते हैं और नीचे से हम धरातल से फीडबैक का जो मिला है, तो अनूप धानक का गांव में काफी ग्रामीण बाहुल सीट है, ग्रामीण एरिया में काफी विरोध है। इसलिए मुझे लगता है कि जो उकलाना की सीट है नरेश सरवाल के लिए बहुत ही सुरक्षित सीट मानी जा रही है। और मुझे ये कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है कोई कि अगर सबसे पहले डिक्लेयर होने वाली सीट होगी ना हरियाणा विधानसभा 8 तारीख को नतीजे आएंगे, उसमें उकलाना की 1-2 नंबर की सीट होगी। तो अब आते हैं हम देवा डिस्ट्रिक्ट भिवानी की भवानीखेड़ा में जो कांग्रेस की टिकट है वो प्रदीप नारवाल को दी गई है और जो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी है वो कपूर सिंह वाल्मीकि को दी गई है। जी कपूर सिंह वाल्मीकि को टिकट, तो वहां पे दोनों का कांटे की टक्कर मुकाबला है दोनों का। कांग्रेस को उस सीट पे कहीं ना कहीं नुकसान इस बात का हो रहा है कि वो एक मैसेज है वहां पे, एक नैरेटिव बन गया कि जो कांग्रेस के कैंडिडेट है प्रदीप नरवाल वो भारी कैंडिडेट है, भारी कैंडिडेट है। वो उनका गांव जो पड़ता है, मुझे लगता है शायद सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में उनका गांव पड़ता है, तो वो कहीं ना कहीं भारी कैंडिडेट, उनको एक मैसेज पूरे इलाके में गया है, तो इसलिए उसको कांग्रेस का कहीं ना कहीं उस कैंडिडेट को भवानीखेड़ा में नुकसान हो रहा है। और कपूर वाल्मीकि जैसे दोनों की फाइट डायरेक्ट फाइट है, तो अगर आगे कितना वो अपने आप को ये क्लियर कर पाएंगे कि भारी कैंडिडेट का और ना भारी कैंडिडेट का जो टैग जो उतार पाएंगे, तो कहीं ना कहीं कपूर इसको प्रदीप नारवाल को फायदा मिल सकता है, और अगर नहीं उतार पाए तो जो भारी कैंडिडेट का फिर कपूर सिंह नारवाल, कपूर सिंह वाल्मीकि को फायदा मिलेगा। और प्रदीप नारवाल एक ऐसी कैंडिडेट है जो हाईकमान से टिकट लेके आए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मतलब यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी आगे जाती नजर आ रही है। वो जेएनयू की पैदाइश है, जी जेएनयू में उन्होंने छात्र राजनीति की और छात्र राजनीति के दौरान एक अलग जो कम्युनिस्ट माइंड है वो उसके हैं, वो दिल्ली से टिकट उन्होंने हाईकमान ने मैनेजमेंट कोटे से उसको टिकट आई है उनकी, ना तो धरातल पे उतना, ना तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की टिकट माना जा सकता, ना कुमारी सैलजा, जनाधार भी उतना नहीं हो सकता फिर होगा, अभी नए कैंडिडेट हैं वो इसके लिए, और देखने वाली बात है कि आगे कितना बढ़ पाते हैं। फिलहाल जो कह सकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के जो कपूर सिंह वाल्मीकि है उनकी बड़ा दम कह सकते हैं, जी 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 उनकी बड़ा दम कह सकते हैं। झज्जर डिस्ट्रिक्ट में झज्जर ही है जी, प्रॉपर झज्जर ही आरक्षित सीट है। झज्जर से गीता बुक्कुल चुनाव लड़ती रही है, गीता बुक्कुल एमएलए हैं, मिनिस्टर रही हैं, और जो कांग्रेस की बात करते हैं तो उसमें जो भारतीय जनता पार्टी के कप्तान बिरधाना है, इसमें मुझे लगता है ये हुड्डा के प्रभाव की सीटें हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रभाव की सीटें हैं जी। झज्जर और जो रोहतक की सीटें हैं वो कहीं ना कहीं उनका प्रभाव इस चुनाव में भी उनका अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है और उनका इसको प्रभाव का फायदा हो रहा है। कांग्रेस की जो पहले एमएलए रही हैं गीता बुक्कल जी, उनका उसको फायदा मिलेगा और एक अच्छा मैसेज भी है उनका, और एंटी इनकम्बेंसी का बीजेपी भारतीय भाजपा सरकार की एंटी इनकम्बेंसी का भी कहीं कहीं गीता बुक्कल जी को जो कांग्रेस कैंडिडेट है उनको फायदा मिल रहा है, इसलिए कह सकते हैं कि गीता बुक्कल काफी एज में है। ठीक है, तो अब बात करते हैं रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की। रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में बावड़ एक सीट है जो आरक्षित है, बावड़ सीट से अभी अभी जो डॉक्टर बनवारी लाल विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के, उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दी, हालांकि वो 10 साल मिनिस्टर रहे हैं। और उधर दूसरी ओर जो कांग्रेस एमएल रंगा, मुनिलाल रंगा जो पहले मंत्री रहे हैं जिन्होंने INLD की राजनीति भी की है, बाद में कांग्रेस में आए जी, और कांग्रेस ने मुनिलाल रंगा पे दाव खेला है, और भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे डॉक्टर कृष्ण कुमार हैं, भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर कृष्ण कुमार पे विश्वास जताया, और कृष्ण कुमार राव इंद्रजीत के चहेते भी हैं, और पहले भी ये सीट जो राव इंद्रजीत ने टिकट डॉक्टर बनवारी लाल को दिलवाई 2 बार दिलवाते रहे हैं जी, और राव इंद्रजीत के प्रभाव का वहां पे लाभ कैंडिडेट को मिलता रहा है, और इस बार भी हम कह सकते हैं कि कहीं कहीं राव इंद्रजीत का प्रभाव वहां पे उस सीट पे देखने को मिलेगा। और डॉक्टर कृष्ण कुमार जो कुछ दिन पहले ही, एक दिन पहले ही टिकट मिलने से पहले वो डायरेक्टर थे इसमें हेल्थ सर्विसेज में, तो उन्होंने वहां से रिजाइन करवाया, एकदम
वहां से रिजाइन करवाने के बाद टिकट उनको थमाया, तो उनका एक मैसेज भी है कहीं कहीं उस सीट पे कह सकते हैं, भारतीय राव इंद्रजीत की वजह से, नए कैंडिडेट होने की वजह से, और उनका जो डॉक्टर कृष्ण कुमार है उनका एक पर्सनल एक वो भी है, एक अच्छा मैसेज व्यक्तित्व, पढ़े लिखे कैंडिडेट। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बढ़त की ओर जाती हुई दिख रही है। हाँ, फिलहाल जो अब स्थिति है, आगे आने वाले समय में क्या होगा वो तो, हाँ, ये जैसे तो हम अपने दर्शकों को बता चुके हैं कि हम लोग आज की जो स्थिति है हम उस पर बात कर रहे हैं, आने वाला कल जो होगा वो समीकरण जो है बदलते रहेंगे। जी जी, तो गुड़गांव में हम एक पटौदी सीट की बात करते हैं, पटौदी आरक्षित सीट है। पटौदी में इस बार जो भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट को बदला है, पहले सत्य प्रकाश जरावता थे, एमएलए थे वहां पे, अभी एमएलए हैं जब तक नई विधानसभा नहीं आती, तो अब उन्होंने बिमला चौधरी को टिकट दिया है। बिमला चौधरी पहले भी विधायक रह चुकी हैं, और दूसरी ओर जो परल चौधरी को श्री उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। इसमें कहीं कहीं फीडबैक से हमें पता चला है कि परल चौधरी कहीं कहीं वहाँ पे भारी, अच्छा भारी है, तो कांग्रेस की फेवर में ये सीट जो है वो कहीं ना कहीं लोग यहाँ पे जनाधार जो है कांग्रेस के हक में खड़ा है। अब डिस्ट्रिक्ट पलवल की ओर आते हैं, पलवल डिस्ट्रिक्ट पलवल में होडल एक ऐसी वो सीट है जो आरक्षित सीट है, उसमें जो कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो खुद कांग्रेस के प्रेसिडेंट उदयवान हैं। अच्छा, उदयवान जी, और जी। दूसरी ओर जो भारतीय जनता पार्टी के हरिंदर सिंह हैं, तो दोनों ही अच्छे कैंडिडेट हैं और दोनों ही राजनीतिक घरानों से संबंध रहा है उनका, और राजनीतिक घरानों से संबंध ही नहीं बल्कि उदयवान तो पहले विधायक रहे हैं कांग्रेस सरकार में, और अच्छी उनका रुतबा कांग्रेस में रहा है, और आजकल तो प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस के हरियाणा। और अभी जो विधायक है वहां पे जगदीश नायर थे, भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काट के जो हरिंदर राम रतन पूर्व विधायक थे उनके बेटे हैं उनको टिकट दिया है, तो जगदीश नायर भी बड़े वो हैं, नाराज हैं टिकट कटने से, तो उस सीट पे जगदीश नायर के नाराज होने का नुकसान भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को अक्सर होता है। दूसरी ओर जो उदयभान जो प्रेसिडेंट है उनको जो प्रधान है उनका फायदा हो रहा है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो 10 साल की एंटी इनकम बेसिस शाम को चुनौती बीजेपी ने करनी पड़ रही, उसका फायदा उदयभान जी को हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, और उदयभान जी का एक पहले भी जो कांग्रेस सरकार में वो एमएलए रहे हैं उसका भी कहीं कहीं लाभ उदयभान जी को कई तरह से लाभ मिला। उदयभान जी की अच्छी स्थिति हम उस होटल सीट पे कह सकते हैं, कहीं ना कहीं ये सीट भी कांग्रेस को जो की तरफ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, उदयभान अच्छे कैंडिडेट हैं और जी, 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 जी। और चुनाव जीतने की स्थिति में हो सकते हैं। रोहतक में कलानौर की बात करते हैं हम जी, रोहतक में कांग्रेस ने शकुंतला खटक को टिकट दिया। शकुंतला खटक जो लगातार कई बार विधायक रही है वहां पे, अभी वर्तमान में विधायक हैं, और हुड्डा साहब भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस में उनका सपोर्ट करते हैं, और भूपेंद्र हुड्डा के प्रभाव का क्षेत्र है वो। रोहतक डिस्ट्रिक्ट तो पूरा ही है, रोहतक के साथ साथ सोनीपत और झज्जर डिस्ट्रिक्ट भी उनके प्रभाव का डिस्ट्रिक्ट है, और कलानौर तो उनके प्रभाव के डायरेक्टली प्रभाव की सीट है उनकी। इससे मुझे लगता है कि वो जो इनके जो मुकाबले में जो जो कैंडिडेट हैं भारतीय जनता पार्टी के वो कहीं कहीं कमजोर कैंडिडेट कह सकते हैं। तो बट ऑब्वियस ही बात है, कहीं ना कहीं अगर हुड्डा का प्रभाव वहां पे है तो हो सकता है कि ये सीट कांग्रेस की तरफ जाती हुई, कांग्रेस भारी है वहां पे। इसके बाद आते हैं हम जींद में, जींद में नरवाना सीट बड़ी हॉट सीट है जी, रही है पहले भी, वहां पे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी चुनाव लड़ते रहे हैं, और जो रणदीप सिंह सुरजेवाला के फादर थे शमशेर सिंह सुरजेवाला वहीं से विधायक और बढ़ते रहे हैं। उसके बाद कई बार दो बार मुझे लगता है रणदीप सुरजेवाला भी विधायक रहे वहां से जी। बड़ी उन दिनों में बड़ी एक गर्मा गर्मी उस सीट पे रही है, लेकिन जो बाद में वो उसके बाद है ना आरक्षित सीट हो गई वो, तो आरक्षित सीट पिछली बार उसकी बात करें तो वहां से जजपा के जो थे रामनिवास सुरजाकेड़ा जी वो विधायक बने थे, भाजपा के विधायक बने थे, कांग्रेस कैंडिडेट को उन्होंने हराया था। और इस बार कांग्रेस ने सतबीर दबलैन है
नाम से हैं, एक उम्मीदवार उनको टिकट दिया है, सतबीर दबलैंड को कांग्रेस ने टिकट दिया है। उधर भारतीय जनता पार्टी से कृष्ण कुमार बेदी हैं, कृष्ण कुमार बेदी जो शाहबाद से चुनाव लड़े, शाहबाद से चुनाव 2014 में विधायक बने थे और बीजेपी सरकार में मंत्री रहे, अब उनकी सीट बदल के, और 2019 की बात करें तो कृष्ण बेदी जी वहां पे शाहबाद में चुनाव हार गए थे, अब उनकी सीट बदल कर नरवाना किया गया। नरवाना में कहीं के उनके पूर्वज नरवाना और केकड़ोदा गांव है वहां पे, वहां से बिलोंग करते हैं पहले 2-3 पीढ़ी पहले, अब नरवाना में उनका कोई ज्यादा संबंध नहीं रहा था, तो नरवाना से उनको भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। दूसरी ओर सतबीर दबलैन है, और नरवाना में एक रोचक मुकाबला होता जा रहा है जी। नरवाना सीट में दुणोदा गांव है, बहुत बड़ा गांव जी, दुणोदा खुर्द और दुणोदा कलां दोनों गांव है, और 10-12 हजार वोट दोनों गांव में है जी, दोनों गांव। दुणोदा से दो कैंडिडेट, दो महिला कैंडिडेट चुनाव लड़ रही है, विद्या रानी और संतोष दुणोदा है जी। तो उन्होंने कहीं कहीं दोनों का ये दावा है कि हमने दुणोदा गांव का समर्थन प्राप्त किया, और दुणोदा गांव बिनायण खाप का सबसे बड़ा गांव है। अच्छा जी, बनियान खाप एक खाप सिस्टम है। हाँ जी, हाँ जी, खाप। और बनियान खाप का बहुत बड़ा गांव है, बनियान खाप का नरवाना की विधानसभा क्षेत्र में बहुत प्रभाव रहा है, बहुत प्रभाव रहा है, जिसकी ओर बनियान खाप का झुकाव हो जाता है वो कैंडिडेट भारी होता है, भारी होता है। और अब की बार जो INLD ने टिकट दिया है, विद्या रानी को टिकट दिया, जो पिछली बार कांग्रेस से चुनाव लड़ी थी, हार गई थी, तो विद्या रानी का ये दावा है कि मैंने मेरे गांव का समर्थन हासिल किया है, और विद्या रानी कहीं कहीं विद्या रानी ने वहां पे नरवाना सीट पे ट्रायंगल फाइट, तो यहाँ त्रिकोणा मुकाबला बनाया, ये कह सकते हैं कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए रात जो है आसान नहीं होगी, आसान नहीं है। त्रिकोणा मुकाबला नरवाना में जबरदस्त त्रिकोणा मुकाबला बना हुआ है, और वहां पे सतबीर दबलैंड की अगर बात करें, वो सब सतबीर दबलैंड गांव है, वो कहीं के बनियान खाप से बाहर है, वो खाप में, उस गांव खाप में गांव नहीं आता, उसका कहीं के नुकसान उसको सतबीर दबलैंड को हो सकता है। और वैसे सतबीर दबलैंड की जो टिकट आई है वो रणदीप सुरजेवाला के माध्यम से आई है जी। रणदीप सुरजेवाला की दो टिकटें मिली, एक तो उनके बेटे को उन्होंने टिकट दिलवाई कैथल से आदित्य चौधरी को जी जी, और दूसरी टिकट सतबीर दबलैंड की मानते हैं, तो कहीं कहीं उसका रणदीप सुरजेवाला के को टिकट के खाते में जो टिकट आई है उसका फायदा मिल सकता है, लेकिन बनियान खाप में दबलैंड गांव नहीं है, उसका कहीं कहीं उसको कहीं ना कहीं रास्ता जो है उनके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली वो ट्रायंगल तिकोना मुकाबला नरवाना में बना हुआ है, तिकोना मुकाबला में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कौन भारी है कौन कम है और कौन ज्यादा है जी। तो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट की एक हमारी सीट बसती है, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में खरखोदा की सीट आरक्षित है, और उसमें पहले से जो जयवीर वाल्मीकि हैं उनको, जो कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस ने उन्हीं पे दाव खेला है, उनको दोबारा रिपीट किया है, और भारतीय जनता पार्टी ने पवन खरखोदा हैं उनको उनको टिकट दिया है। तो यहाँ मुझे लगता है कोई ट्रायंगल फाइट का कोई ज्यादा सोचने की हमें जरूरत नहीं है, कि वहाँ पे पवन जयवीर वाल्मीकि और पहले भी विधायक रहे, उससे पहले भी विधायक रहे, कांग्रेस पार्टी में भी विधायक रहे जो सरकार थी जब भी विधायक थे वो जी जी। और हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा के प्रभाव की सीट है, तो उसमें हम कह सकते हैं कि जयवीर वाल्मीकि को एज है, और जयवीर वाल्मीकि कहीं कहीं भारी कैंडिडेट पड़ सकते हैं। अब तक का जो विश्लेषण आपने हमें, ये अपनी 17 की 17 सीटों का जो विश्लेषण आपने हमें दिया, उसमें कहीं ना कहीं मुझे जो मतलब लोगों का जो इंटरेस्ट है, लोगों का जो झुकाव है, या जो अब तक के समीकरण बनते रहे, कहीं ना कहीं कांग्रेस को उसका फायदा मिलता नजर आ रहा है। इसके साथ मेरा साहब मुझे एक चीज और बता दीजिए, हमारे दर्शकों की चीज और बताइए कि इन 17 सीटों में से कितनी सीटों पर जो है सीधी टक्कर है, और कहाँ कहाँ तिकोणा मुकाबला हो सकता है, ये मैं मतलब जल्दी से जल्दी ये चीजें बता दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए, हमने जो एक चर्चा की है, एक सर्वे हमारे पास, हमारे फीडबैक आया, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो हरियाणा की 17 जो आरक्षित सीटें हैं उनमें से कांग्रेस को कहीं कहीं 11 सीटों पर कांग्रेस को फायदा हो सकता है, और 3 जो बीजेपी के खाते में जा सकती हैं, और जो 3 सीटें हैं उनपे जो तिकोणा मुकाबला उसमें कुछ भी हो सकता है।
इसलिए हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि 11 सीटों पर कांग्रेस और 3 पे बीजेपी और 3 पे तिकोना मुकाबला। कहने का मतलब है कि 17 में से 11 सीटें जो है वो कांग्रेस के खाते में आज की डेट में जाती हुई नजर आ रही हैं, और 3 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ, और 3 पे तिकोना मुकाबला है जो कहीं भी किसी तरफ भी बैठ सकती है। अभी प्रभाव इन सीटों पे मतलब हम लोगों की आज की डेट की बात करते हैं, आज के प्रभाव की बात करते हैं। इन सब जो बातें मैंने आपकी अब तक सुनी उसमें से एक सवाल निकल के आता है कि पिछले कल केजरीवाल ने एक अपनी रैली करी, अपने जो प्रचार की शुरुआत करी यमुनानगर में, तो 90 सीटों पे उन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं, इन 17 सीटों पे उनकी क्या पोजीशन है? कहीं मुझे वो नजर नहीं आ रहे आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स, तो क्या पोजीशन है उनकी? देखिए, आप पार्टी का इन पर्टिकुलर इन सीटों पे कोई ज्यादा फोकस आप पार्टी का नहीं है, और ये वैसे भी जो सीट है ये ग्रामीण बाहुल सीट है, इन सीटों पे उनका ज्यादा फोकस नहीं। उनका 90 की 90 सीटों पर वो टारगेट करते आए। कल मैंने यमुनानगर की जो बात, उन्होंने स्पीच दी है, उन्होंने, मैंने भाषण उनका सुना है, उस भाषण में मुझे लगता है उन्होंने सीधा सीधा टारगेट भारतीय जनता पार्टी, हाँ, कहीं ना कहीं वो अपनी जगह तलाशने की कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को टारगेट किया। वो कांग्रेस पे बहुत कम बोले हैं, और सीधा अगर जो आरोप लगाए हैं, जो कमियां बताई वो भारतीय जनता पार्टी की बताई है, इसलिए कहीं ना कहीं वो ज्यादा नुकसान, जो डेंट पहुंचाने का जो उनका मकसद है भारतीय जनता पार्टी को, कहीं ना कहीं देखिए इंडिया गठबंधन जो है उसका जो एक जो सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं वो आते हैं, तो बट ऑब्वियस ही बात है उसका भारतीय जनता पार्टी को ही नुकसान हो सकता है। सो दोस्तों, ये था हरियाणा की 90 सीटों में से जो 17 सीटें आरक्षित सीटें हैं उनका जो आज की स्थिति है उसका विश्लेषण। तो दोस्तों, और नई जानकारी के लिए देखते रहिए अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, आपका अगर कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं, क्योंकि आपके हर सुझाव का यहां हमारे पास बहुत स्वागत है, आपका हर सुझाव बहुत कीमती है। मेरा साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू राजेंद्र जी, धन्यवाद आपका।